हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए चार नाम आपको दिख रहे होंगे, टाटा मेटालिक्स, बजाज कंज्यूमर, कोचिन मिनरल्स और गुजरात होटल्स। ये चार बड़े नाम हैं आज जिनका रिजल्ट आना था, तो इन चारों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और इनके रिजल्ट को देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। इसमें से अभी आज की डेट यानी कि 15 जुलाई का एक और स्टॉक है टेन प्लेट, जिसका रिजल्ट आना था, वो अभी तक रिजल्ट अभी अपलोडेड नहीं है बीएससी की वेबसाइट पे अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए उसको थोड़ा मिस कर लिया जाता है। इन चारों के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ स्टॉक्स एक एक करके, टाटा मेटालिक्स से स्टार्ट करूँगा मैं। 581 का करंट प्राइस है, 1632 का मार्केट कैपिटलेशन है और 1632 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है। अगर आप देखें बहुत कम डेट वाला ये शेयर, बढ़िया सेल्स ग्रोथ वाला शेयर है, लेकिन ये टाटा का स्टॉक है, लेकिन रिजल्ट कैसा रहा वो देखते हैं। इसका सीधे लेके चलता हूँ आपको रिजल्ट की तरफ। अगर मैं कंपैरिजन करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, यानी कि मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन करा जाए, तो 64 करोड़ का जो प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में था, इसमें 19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मतलब 70% की गिरावट देखने को मिली है। टोटल इनकम 596 करोड़ से घट के 503 करोड़ देखने को मिली है। तो आप खुद देखिए, ये क्वार्टरली बेसिस पे लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यानी कि लास्ट ईयर जून से अगर कंपेयर करते हैं, तो लास्ट ईयर जून में ये प्रॉफिट 30 करोड़ के आसपास था, तो उसके कंपैरिजन में भी 35% का गिरावट देखने को मिला है। तो 35% की ये गिरावट, मतलब कि शेयर के प्राइस में भी गिरावट जरूर आएगी। यहाँ पे ये अभी के टाइम के हिसाब से देखिए आप, 581 पे शेयर चल रहा है, तो आपको कल मंगलवार की मार्केट में शेयर में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। और यहीं पे अगर हम अगला शेयर देखें, बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड, बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड, इस स्टॉक के देखिए, बजाज ग्रुप का ये छोटा सा स्टॉक मैं कहूँगा स्मॉल कैप सेगमेंट का, 4700 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है, 317 का प्राइस है, बुक वैल्यू 32 के आसपास, पी रेशियो 20 के आसपास की है और ना के बराबर का डेट है कंपनी के ऊपर। सेल्स ग्रोथ 4.5% की है, डिविडेंड बढ़िया देता है ये, देखिए 4.5% का डिविडेंड यील्ड, बहुत बढ़िया डिविडेंड देता है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जो आया है वो देखिए आप, बजाज कंज्यूमर। अगर मैं बात करता हूँ पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो प्रॉफिट में मामूली सी गिरावट मैं इसको कहूँगा, ऑलमोस्ट 60 करोड़ से प्रॉफिट गिर के 56-57 करोड़ के आसपास हुआ है, तो 5% के आसपास की गिरावट है। टोटल इनकम में भी 1% की गिरावट देखने को मिली है, 249 करोड़ से टोटल इनकम गिर के 246-247 करोड़ के आसपास रही है। और यहीं पे अगर लास्ट ईयर जून से कंपेयर किया जाए, तो 8-9% का जंप देखने को मिला है, यानी कि 52 करोड़ से प्रॉफिट 56-57 करोड़ के आसपास गया है, और वहीं पे टोटल इनकम में भी जंप ऑलमोस्ट 10% का जंप देखने को मिला है। तो लास्ट ईयर जून के कंपेरिजन में बढ़िया जंप यहाँ पे देखने को मिला है बजाज कंज्यूमर। अब हम चलते हैं अपने अगले शेयर की तरफ, जो हमारे पास है कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड। एक छोटा सा शेयर है, 124 करोड़ का मात्र मार्केट कैपिटलेशन है, और यहाँ पे देखिए 160 का करंट प्राइस इसका, 22 का पी है और 32 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। तो इसका भी देखते हैं सेल्स ग्रोथ 12% के, रिजल्ट देखते हैं कैसा रहा कोचिन मिनरल्स का। तो यहाँ पे अगर इसके प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, इसीलिए देखिए 3 करोड़ 24 लाख का ये प्रॉफिट देखने को मिला। आप खुद देखिए कहाँ पे 4 लाख का प्रॉफिट था और आज के डेट में 3 करोड़ 24 लाख का प्रॉफिट, 80 गुना ये प्रॉफिट जंप किया गया है। आप खुद देखिए 80 गुना। यहाँ पे अगर आप अर्निंग पर शेयर देखें, जो 7 पैसे का अर्निंग पर शेयर था, वो 4.14 रुपये हुआ है। भैया इस शेयर ने तो लंबी छलांग लगानी स्टार्ट कर देनी है। वहीं पर अगर लास्ट ईयर जून से कंपेयर किया जाए, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल जून में, और इस क्वार्टर में देखिए, इस जून क्वार्टर में कितना हो गया, 3 करोड़ 24 लाख का। तो आप खुद देखिए 205% का जंप देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर भी बढ़िया जंप यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये छोटा शेयर जरूर है, लेकिन बढ़िया जंप देखने को मिला है। अब अगले शेयर की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास है गुजरात होटल्स लिमिटेड। गुजरात होटल्स की बात करें, तो देखिए 40 करोड़ का ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटा सा शेयर है, डेट फ्री शेयर जरूर है, लेकिन बहुत छोटा प्लेयर है। तो आप देखिए इसके क्या हालात हैं। इसके हालात पे अगर नज़र डालें, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन से, 19% कमी देखने को मिली है। और वहीं पे अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ, यानी कि जून लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ, तो 16% की कमी देखने को मिली है इसके प्रॉफिट में। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ इस तरीके से क्विक रिजल्ट आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है सबके पास, इतने डिटेल वो देख नहीं सकते। तो ये क्विक रिजल्ट आपके साथ कोशिश करी मैंने लाने की। और यहाँ पे एक जो मिसिंग बढ़िया शेयर जो है रह गया है, वो टिन प्लेट है, क्योंकि उसका रिजल्ट अभी तक अपलोडेड नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।